वर्नियर कैलिपर के प्रयोग को और उसके पार्ट्स को जानेंगे, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जामों के स्किल टेस्ट में पूछा जाता है और DRDO में भी आने की संभावना है। तो हमने एक डिजिटल सा वर्नियर कैलिपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को आपको बता देते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल फिक्स जो, क्योंकि ये जो फिक्स है और ये दूसरा जो है ये आगे पीछे घूमता है, तो इसको हम लोग फिक्स जा बोलते हैं और इस वाले जा को बोलते हैं मूवेबल जा, क्योंकि ये मूव हो सकता है। जब देख रहे हैं हम इसको जब मूव कराते हैं तो इसमें से एक स्केल निकलती है। ये स्केल किसी भी चीज़ की डेप्थ को मेजर करती है, तो इसको हम लोग डेप्थ स्केल भी कहते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ की गहराई को मापते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये जो दोनों जा है ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जो कि किसी भी चीज़ के आउटर डायमेंशन को मापने के काम में आते हैं। जो नीचे वाले होते हैं ये आउटर डायमेंशन मापते हैं, और ये जो इनर वाले हैं जो आगे की तरफ उभरे हुए हैं, ये किसी भी चीज़ जॉब के अंदर के डायमेंशन को मापते हैं। जैसे कोई भी गोल चीज़ होगी तो उसमें इस तरीके से इसको सेट करके इनर डायमेंशन को इससे मापते हैं। प्लस ये जो स्केल है, ये स्केल किसी भी चीज़ की गहराई को मापती है। चलिए हम मापना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर को इस तरीके से सेट कर देना है और वर्नियर कैलिपर के मान को 0 पे सेट करना है। ये हमेशा 0 होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ 0 सेट करने का एक ऑन ऑफ का बटन होता है, जिससे आप वर्नियर कैलिपर को ऑन या ऑफ करते हैं। ये दूसरा बटन जो है ये 0 बटन होता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 0 बटन है कि नहीं। हमेशा आपको 0 इसको अच्छी तरीके से लगा के 0 पे सेट कर देना है, नहीं तो आपके रीडिंग के मान में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इसमें ये mm और इंचेस का दिया है, इससे आप mm और इंचेस में रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ OBS दिया है, ये OBS मतलब देखता है जो त्रुटि होती है ना मीटर में, उसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मीटर में कोई त्रुटि है, या हो सकता है कि आप यहाँ किए और इसको 0 कर दिए, जब OBS से चेक करेंगे तो वो आपको मान दिखाएगा कि आपका मान कितना निगेटिव में है और कितना पॉजिटिव में है। ठीक है, यानी ये पिछले वाला मान दिखाता है। यहाँ से यहाँ देखिएगा एक नट दिया जाता है जिसको लॉक नट बोला जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ की रीडिंग ले रहे हैं, इस नट को अगर आप लॉक कर दीजिएगा तो आपकी रीडिंग बिगड़ेगी नहीं, और आप आसानी से उसकी रीडिंग को नोट करके रख सकते हैं। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं 0 पे। हमारे पास एक 10 रुपीज़ का कॉइन है, हम इसको हल्का सा एक्सटेंड करते हैं और इस 10 रुपीज़ की कॉइन को इस जो में अच्छी तरीके से डालते हैं। आपको ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करना है। इस तरीके से हम इसको 10 रुपीज़ के कॉइन्स को इसमें डाल देते हैं। देखिएगा आप, जैसे हमने इसको अभी 10 रुपीज़ कॉइन को डाला हुआ है तो ये mm में दिखा रहा है 27.11 mm। अगर आपको आप गूगल पे डालिएगा आउटर डायमेंशन ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन, तो आपको नेट पे भी 27 mm मिलेगा। इसका मतलब हमारी ये जो रीडिंग है वो बिल्कुल ही सही है। और इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को नोट करते हैं और वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं।